अप्रैल में गेहूं की नई फसल तैयार हो जाएगी मंडियों में नई उपजाने में अब लगभग एक महीने का ही समय बाकी है फिर भी महाराष्ट्र में इसका दाम नया रिकॉर्ड बना रहा है पुणे मंडी में 17 फरवरी को बिना छिलके वाले गेहूं का दाम चार हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया वहीं दूसरी नागपुर तरफ मंडी में भूसी वाले गेहूं का दाम तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल तक रहा विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि मार्च के अंत तक गेहूं के दाम में इसी तरह की तेजी कायम रहेगी इसके बाद जब नई उपज आ जाएगी तब दाम कम हो सकते हैं महाराष्ट्र की ज्यादातर मंडियों में गेहूं एमएसपी के ऊपर भाव पर बिक रहा है वसई मंडी में गेहूं का दाम दो हज़ार रुपये प्रति क्विंटल रहा अधिकांश मंडियों में दाम दो हज़ार रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा मिल रहा है जबकि सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2022 से 23 सीजन के दो हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तय कर रखा है अप्रैल 2024 में नया एमएसपी दो हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का लागू होगा गेहूं का दाम महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा है वैसे तो 2022 के बाद से सभी राज्यों में गेहूं का दाम एमएसपी से ऊपर ही चल रहा है उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र में गेहूं का दाम आमतौर पर ज़्यादा ही बना रहता है क्योंकि गेहूं की खेती यहां बहुत कम होती है देश के कुल गेहूं उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान सिर्फ़ दो प्रतिशत है यहां के किसान गेहूं की बजाय बागवानी फसलों पर ज़्यादा जोर देते हैं इसलिए यहां गेहूं महंगा रहता है खासतौर पर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों की मंडियों में हमेशा दाम में तेज़ी बनी रहती है कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में गेहूं उत्पादन की लागत सबसे ज़्यादा आती है यहाँ प्रति क्विंटल दो हजार रुपये की लागत आती है इसलिए यहाँ के किसान सिर्फ अपने खाने के लिए गेहूं की खेती करते हैं वर्ष 2022 से 23 में राज्य में ग्यारह दशमलव लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी